बाबा को जो माशाल्लाह 80 साल से ऊपर हैं, गुज़श्ता साल से बेड पर हैं, वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ ही रहती हैं और इनके ए से जेड तक के तमाम मामला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिम्मे हैं, जो मैं अपने अल्लाह की तौफीक से बखूबी निभा रहा हूँ। मसले के वालदा साहबा को वालिद की पेंशन मिलती है, जो कि मैं अपने घर से अखराजात में ही अपने साथ ला लेता हूँ और ये अखराजात में सही है। अगर पेंशन वालदा की मिलती है तो वालदा चूँकि होश में नहीं है, तो जो भी मजनून जुनून की हालत में चला जाए या होश की, तो उसके माल को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। उसका माल सिर्फ उसी के मफाद में खर्च हो सकता है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि वालदा की जो पेंशन मिलती है, तो जितना घर में वालदा पे खर्च हो रहा है वो उस पेंशन से ज़्यादा है, तो उस पेंशन को अपने माल के साथ मिला लें और फिर अलग हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा सा वालदा पे खर्च हो रहा है, बाकी सारा आप लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो वालदा का माल आप अपने लिए आपके लिए जायज़ नहीं है। आप लोग ये कहते हैं हमारी अम्मी है तो क्या हो गया, भाई अभी होश में नहीं है, तो उनकी रिजा जब तक होश में हो ना फिर तो रिजा होती है, जो होश में नहीं है तो फिर उनकी रिजा का एतबार नहीं है, तो वो पैसे फिर आपको महफूज रखने पड़ेंगे उनके इलाज में और इन चीजों में खर्च करें। अल्लाह ना करे अगर इंतकाल हो गया तो फिर विरासत में खर्च किए जाएंगे। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब आजकल अब करी के सोशल में अब करी मार रहे हैं, मुफ्ती अजहर अली साहब स्ट्रॉबेरी को हराम कहते हैं और इसको जहन्नम की फल कहते हैं, भाई उनसे पूछो जाके यार, वो मुझसे कुछ बुलवा लेते हैं फिर वो पूरे उनके मेरे खिलाफ 15-15 मिनट के क्लिप आना शुरू हो जाते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा मजहब सफाई सुथराई का दर्ज देता है, तो ऐसा क्यों है कि जब आपको खुद भी सेंस होनी चाहिए ना स्ट्रॉबेरी के बारे में, सही स्ट्रॉबेरी जो है पूरी दुनिया के सारे दुनिया के मुसलमान खा रहे हैं, सारी दुनिया के हजरत एक दलील ये देते हैं, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, भाई आलिम है माशाल्लाह और हमसे सीनियर हैं, तो लेकिन जो दूसरे उलमा के दलाइल हैं वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है ना इसको वो कहते हैं जकूम है, तो स्ट्रॉबेरी का जो उर्दू में नाम है मुमकिन है जकूम हो, अरबी में जकूम, कुरान में जो जकूम जिसको जहन्नम का फल करार दिया वो अरबी वाला जकूम है, वो उर्दू वाला जकूम नहीं है। तो अरबी वाला जो जकूम है वो इंतहाई कड़वा फल होता है, वो समझ रहे हो। हजरत की राय यह है कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको उर्दू में जकूम कहते हैं, तो लिहाजा ये नाम भी वही है और इसकी शक्ल भी वैसी सांप के फन जैसी होती है। तो वो जो कुरान ने जिसको जकूम कहा है ना वो अरबी वाला जकूम है, उर्दू में अगर इसको जकूम कहते भी हैं तो ये उर्दू का जकूम है, अरबी का नहीं है। कुरान में जो जहन्नम का फल है वो कौन सा फल है, अरबी में जिसको जकूम कहा जाता है वो बहुत कड़वा होता है और हराम वो भी नहीं है। बात आ रही है समझ में, जब अरबी में जो असल जकूम है वो हराम नहीं है इतना कड़वा होने के बावजूद और सांप जैसे फन उसके होने के बावजूद, तो ये वाला जो स्ट्रॉबेरी है ये कहाँ से हराम होगी जो अरबी जकूम है भी नहीं, समझ रहे हैं। वैसे भी अगर जहन्नम में स्ट्रॉबेरी मिलना शुरू हो जाए तो लोग तो फिर कहेंगे यार वही, तो लोग जहन्नम को तरजीह देना शुरू कर देंगे यार स्ट्रॉबेरी अगर मिल रही है। बाल रिपोर्ट है, क्लिप नहीं बना देना यार, बहुत वो मुझे बहुत धुनाई लगाते हैं मेरी वो तबीयत से, मैं गया नहीं इतने अरसे से उनके पास इसी वजह से, मैंने कहा पकड़ के कूट ना दें कहीं, वो बड़े कड़क आदमी है पता है ना आपको, तो मैं अभी कई दफ़ा इरादा हुआ जाऊं हजरत से मुसाफा करूं लेकिन मैं नहीं जा रहा, मैंने कहा यार वो पकड़ के ना कूट दें कहीं, उस पर फिर एक क्लिप आ जाएगा हजरत की धुनाई लगा रहे हैं। उनसे भी सिफारिश कर दें कि हजरत आना चाह रहे हैं, स्ट्रॉबेरी पर बात नहीं करेंगे बस सलाम दुआ करेंगे, तो उलमा है उनका इकराम करना चाहिए ना। हाँ ठीक है, उनसे कहें वो कोई वैसी बात बात नहीं। हमारा मतलब सुराज के 10 देता है, क्योंकि जब ईद उजा का चांद देखता है तो 10 दिन तक बाल और नाखून काटना मना है। सिर्फ 10 दिन तक बाल और नाखून काटना मना नहीं है, जायज़ है, बेहतर है कि ना काटे जाएं, वो हाजियों से मुशाबत भी है और ताकि कुर्बानी जल्दी हो। तो पूरे साल बाल और नाखून काटने का इस्लाम हुक्म दे रहा है, अगर 10 दिन वो कह दे तो 10 दिन में इतना कोई जंगल नहीं बन जाता कि वो बहुत ही गंदगी हो जाती है उससे, तो एक वक्ती तौर पर हुक्म दिया जा रहा है। जो लोग झूठ बोलकर दुजादी करते हैं, लड़की को बताते नहीं है उनकी दुजादी, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ बयान करें, भाई जो कई केसेस आ रहे हैं दूसरी बीवी को बताई नहीं कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है, ये फ्रॉडी आदमी है, 2 नंबर आदमी है, समझ रहे हो। जब आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो दूसरी को बताएं कि मेरे निकाह में पहले कितनी हैं, पूरी रिपोर्ट पेश करें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और उसका भी वही हक है जो किसका है, पहली का, ना पहली को उसकी वजह से नुकसान पहुंचाए ना दूसरी को पहली की वजह से, और दूसरी को पहली के साथ बोलो भाई नहीं रख सकते, दूसरी से पहली के बच्चे या पहली से दूसरी के बच्चे बोल दे क्यों नहीं पलवा सकते, समझ रहे हो। बाजों ने लाला के पहली बीवी की खिदमत करवा रहे हैं, उससे नहीं हो सकता भाई।